नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित विसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम से विश्व की प्रसिद्ध रामलीला। अयोध्या के रामलीला की आज प्रेस वार्ता है और हमारे साथ दिग्गज अभिनेता गोपी पैंटल जी मौजूद है जो रामलीला में नारद जी की भूमिका निभाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू युग वाणी के सारे दर्शकों को और सारे मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत अच्छा हूँ। फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं जी? नारद की भूमिका के लिए किस प्रकार की तैयारी लेकर? तैयारी जो एक अभिनेता करता है अपने करेक्टर के प्रति, वो कर रहा हूँ और जैसा लिखा हुआ है, जैसा डायरेक्टर चाहते हैं वैसा कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वैसे ही पसंद आएगा जैसा कि हमने सोचा है। आपका करैक्टर महाभारत में शकुनी मामा और नारद का करैक्टर काफ़ी मिलता जुलता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल मिलता जुलता है। और नारद जो है उनकी वजह से ही शकुनी जैसे पैदा हुए तो वो उनके जन्मदाता हैं सब जो नारद। और नारद सिर्फ मानवों में नहीं, वो जो है देवताओं में आपस में युद्ध कराते थे और शकुनी जो है वो मानवता में युद्ध कराते थे। बस यही फ़र्क है उनमें दोनों में, बाकी सेम है। रामलीला का मंचन अयोध्या में किया जाता है, तीसरा वर्ष है अयोध्या के रामलीला का, तो कितना एक्साइटमेंट रहता है अयोध्या की जन्मभूमि पर रामलीला का मंचन करने के लिए? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस जो हमारे सारे देवताओं की जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, जननी है, उस पावन धरती पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि सब भारतीयों को इस पे बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा एक गौरवपूर्ण काम करने जा रहे हैं, जिससे कि अगर हम श्री राम का चाहेंगे तो हमको बहुत इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आस्था से बनाया हमने, बड़े प्यार से बना रहे हैं। ऐसा ही सवाल एक और है, महाभारत का आप मंचन करते रहते हैं आए दिन आपके शो पुनीत सरला, महाभारत सुपर हिट है वो, मैं काफ़ी बार देख भी चुका हूँ। रामायण है, दोनों में क्या डिफरेंस है? काफ़ी रस अलग अलग है, दोनों में किस प्रकार का चैलेंजिंग रहता है? रामायण में ये है कि क्या होना चाहिए और महाभारत में क्या नहीं होना चाहिए, यही फर्क है। आप एक दौर रहा है फिल्मी दुनिया में, कितना सिनेमा बदल चुका है, आप क्या कहेंगे? बहुत बदल चुका है। अभी क्या है, छोटे पर्दे पे आ गया, पहले बड़े पर्दे पे, लेकिन सिनेमा फिर भी माँ है, वापस आएगी जी। क्या कहेंगे भगवान रामचंद्र के जो किरदार है, उसके किरदारों के बारे में अब क्या कहेंगे, क्या शिक्षा मिलती है हमें रामायण से, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आज्ञा का पालन करो, नियमों पे चलो, अच्छे बनो, मानवता की रक्षा करो। बहुत बहुत स्वागत था आपका। हमारे साथ मौजूद है गोपी पैंटल जी जो इस बार अयोध्या के रामलीला में नारद की भूमिका निभाएंगे। मैं आपका दोस्त रोहित विसैया, देखते रहिए युग वाणी टाइम्स।